सबसे पहले हमें बीबी क्रीम बनाने के लिए मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर अशील का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइज़र को यूज़ करें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सेंट आइव्स की सन ब्लॉक क्रीम ले रही हूँ, इसको सिर्फ मैं 1/4 टीस्पून ही यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स फेस को थोड़ा सा ग्लो देने के लिए निक्स का मैं हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर इसमें यूज़ कर रही हूँ। 2 ड्रॉप्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ इसके, लेकिन आप जो भी हाइलाइटर यूज़ करें अपनी स्किन टोन से मैच करती हुई यूज़ करें। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स मैक की स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन ले रही हूँ, इसको मैं सिर्फ 1/2 टीस्पून ही लूँगी। अगर आपको कवरेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ आप फाउंडेशन की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लें। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स किस ब्यूटी का 1/4 टीस्पून मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो हमारी बीबी क्रीम है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, हमारा जो मेकअप होगा वो टिका रहे। फ्रेंड्स आपको जो भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ करने हैं अपनी स्किन के ही मुताबिक ही यूज़ करने हैं। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाले आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग ही आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करें फ्रेंड्स। अब मैं फ्रेंड इसको मैं अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं डिफरेंस। फ्रेंड्स आप मेरी आर्म में और आप मेरे हाथ में डिफरेंस देख सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।